श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। कामिका एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के व्रत को करने से पुनर्जन्म की बाधाएं दूर होती है। इस पवित्र एकादशी के फल लोक और परलोक दोनों में उत्तम कहे गए हैं, क्योंकि इस व्रत को करने से 1000 गौदान के समान पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं कब है कामिका एकादशी। जुलाई माह में क्या रहेगी एकादशी की तिथि, पारण का समय, साथ ही द्वादशी समाप्ति समय क्या है और पूजन विधि, कथा व महत्व क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगामी एकादशी तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सबके बिगड़े काम बनने लगते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से भक्तों के साथ उनके पितरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। कामिका एकादशी के अवसर पर तीर्थ स्थानों पर नदी, कुंड, सरोवर में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कब है जुलाई माह में कामिका एकादशी का व्रत। कामिका एकादशी का व्रत 16 जुलाई 2020 दिन बृहस्पतिवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 15 जुलाई को रात के 9:19 पर और समाप्ति होगी 16 जुलाई को रात के 10:44 पर। पारण का समय रहेगा 17 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार को सुबह 5:01 से 7:53 तक। कुल अवधि रहेगी पारण की 2 घंटे 52 मिनट की। द्वादशी समाप्ति का समय रहेगा 17 जुलाई 2020 को दिन शुक्रवार को रात के 11:33 पर। चलिए जानते हैं क्या है पूजन विधि कामिका एकादशी की। एकादशी के दिन व्रती को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। पूजन में प्रभु को फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत आदि अर्पित करें। व्रत वाले दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें एवं भजन कीर्तन करें। विष्णु सहस्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देकर विदा करें, उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। चलिए जानते हैं क्या है कथा कामिका एकादशी की। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो कौन सी एकादशी है और उसकी क्या कथा है, कृपया करके मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से पुनर्जन्म की समस्याएं दूर होती है और 1000 गौदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब मैं आपको कामिका एकादशी की कथा सुनाता हूँ। किसी गांव में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन उस ठाकुर का ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या के पाप से दुखी उस ठाकुर ने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन अन्य ब्राह्मणों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ब्रह्म हत्या का दोषी होने के कारण ब्राह्मणों ने उसके यहाँ भोजन करने से इनकार कर दिया। इससे व्यथित उस ठाकुर ने एक ऋषि से इस पाप का निवारण का उपाय जानना चाहा। इस पर ऋषि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने को कहा। इसके बाद उस ठाकुर ने ऋषि की आज्ञा अनुसार कामिका एकादशी का व्रत किया। उसके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा, ठाकुर, तुम्हारे सभी पापों का प्रायश्चित हो गया है और अब तुम ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो। कामिका एकादशी व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। इसलिए इस एकादशी को आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये व्रत चेतना से सभी प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है और हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देता है। तो बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।
मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।